हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर मिनी ब्लॉग। सो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि मैं कहीं ना कहीं जा रही हूँ। एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग अबाउट माय ट्रैवल मतलब ब्लॉग्स, कि मैं थोड़ा असमीज में बोलती हूँ, बंगाली में भी किया था और हिंदी में करती हूँ, क्योंकि मुझे ना कुछ लोगों का ना मतलब रिक्वेस्ट आता है, भाई हमें तो मतलब असमीज समझ में नहीं आता, बंगाली समझ में नहीं आता, तो दैट इज़ वाई मैं ऐसे हिंदी में आजकल पोस्ट कर रही होती हूँ। तो मुझे स्टेशन में जाके मिल गया मेरा फेवरेट सर, उन्होंने थोड़ा गाइड किया, मैं मतलब डरी नहीं थी क्योंकि मुझे अकेले आने का कोई शौक भी नहीं था, तो सर ने मुझे थोड़ा सा ड्रॉप किया, फिर मैं चली गई जी के घर। हाँ, वैसे भी लाइफ तो ट्रैवलिंग बन ही चुका है, तो चलो। और घर जाके देखा इन लोगों ने कुछ फ्रिज खा रहे थे, तो मैंने भी खा लिया। फिर रात को कौन क्या पहनेगा वो भी सिलेक्शन हो चुका था, और मैं जा रही हूँ नाच नाच के खाना खाने, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लग गई थी भूख, क्योंकि घर पे कोई नहीं था। तो मैंने यहाँ पे अपना ड्रेस भी ठीक कर लिया, तो उसके बाद मैंने ऊपर जाके थोड़ा सा व्यू ले लिया, क्योंकि ये देखो गुवाहाटी में भी बस्ती मिलता है। तो मैंने जाके नीचे जाके देखा कि हमारा जो भात कपूर का दायित्व होता है तो वो चल रहा था, तो मैंने भी उनको थोड़ा मदद वदद कर लिया, क्योंकि भाभी को मतलब लग रहा था कि ये सारी कंफर्टेबल नहीं है, ये सारी वेल कंफर्टेबल होगा, मतलब पिक्चर अच्छी आएगी। फिर उनका सब कुछ रिचुअल्स खत्म हो गया था, और ये दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट रिचुअल एवर, तो भैया ने कुछ रिचुअल्स किया। फिर मुझे मिल गया गुदू, क्योंकि मैं जब गई थी वो सो रहा था, फिर मैंने थोड़ा जुगाड़ बुगाड़ कर लिया रात के लिए, फिर मैंने ये नहीं पहने थे वैसे भी, फिर इनको थोड़ा कर्ल वर्ल करके मैं जो मतलब चली गई थी ऊपर नए भाभी को रेडी करने के लिए। फिर मैंने सारा क्लिप तो नहीं ले पाई, बट या छोटू मोटू सा क्लिप ले लिया। फिर भाभी को रेडी करके सीधा मतलब भाभी भी भैया को रेडी कर रहे थे, और मम्मी भी आ चुके थे, पापा भी आ चुके थे, एंड जीजा जी तो बार बार देख रहे थे मेरी बीवी किधर है, मेरी बीवी किधर है। तो यहाँ पे इन लोगों की बात मतलब जो कन्वर्सेशन हुई ना जीजी जब रेडी हो रही थी, स्टिल आई एम लाफिंग ऑन इट, आप लोगों को दे देती हूँ क्या बोला जीजू ने, सुन लीजिए। तो सबको रेडी करने के बाद मैं होने गई थी रेडी, और पूरा 10:30 बजे मैंने सिर्फ आधा घंटा लगाया रेडी होने में, फिर मैं भी रेडी होकर नीचे चली गई थी, और आधे लोग तो खा के चले भी गए थे, पर भीड़ कम नहीं हुआ, क्योंकि उनका गली में होता है ना, वो गली के रास्ते में बीच में पैंडल होता है, तो भीड़ लग जाता है। बट डेकोरेशन वॉज जस्ट टू गुड, वो मेरे जीजी के देवर ने मतलब उनका खुद का डेकोरेशन का काम है। फिर जीजी को और मुझे अपने कैमरे पे आ गया था प्यार, हमने ले लिया सेल्फी, और इनको कुछ मतलब कैंडल्स लेके दिया था, और दीदी यहाँ पे पता नहीं कुछ फ्रेंड्स भी बना लिए थे, पर मेरी कोई फ्रेंड्स नहीं, क्योंकि मैं आजकल एंटी सोशल हो चुकी हूँ, इंट्रोवर्ट हो चुकी हूँ, सो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती। तो मैंने स्टार्टर में कुछ नहीं मिला मुझे स्टार्टर पे, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका था। फिर मैं सीधा चले गई खाना खाने, और द मेन थिंग इज़ पापा ने इस बार खुद खाना ले लिया, क्योंकि लास्ट टाइम तक हमें खाना देना पड़ता था पापा को, एकदम घर की तरह पापा को अच्छा नहीं लगता था बफेट में खाना। सो और यहाँ पे थोड़ा चल रहा था डांस, एंड देखो यहाँ पे बच्चियों ने कर दी शैतानी, और जीजा जी ने जीजी का बहुत सारा पिक्चर्स भी क्लिक कर दिया, और हमने ले लिया एक छोटा सा क्लिप। फिर यहाँ पे मम्मी का भी एकदम डांस का जलवा, मतलब मेरी मम्मी है भाई, थोड़ा डांस का जलवा दिखा दिया, फिर बच्चों ने भी थोड़ा नाच वाच लिया। फिर इन चार बहुओं को खिंचवाना था फोटो, फिर इस अंकल ने तो कोई चांस ही नहीं दिया, तो मैंने भी लाइट वाइट पाके थोड़ा मतलब क्लिप ले लिया। फिर सब आ चुके अपने अपने अवतार पे, क्योंकि सोने का वक्त हो चुका था, और मैं सबके सामने नाचने से शर्माती हूँ, तो ऊपर नाचा। नाचने के बाद दीदी का भी अवतार आ चुका था, मम्मी का भी अवतार आ चुका था, और मैंने भी अवतार छोड़ के सो गई थी। फिर सुबह उठकर मतलब चली, पापा और मैं घर के लिए चले गए थे, और पापा के पीछे पीछे मैं चली, बट दूसरे टाइम ही पापा मेरे पीछे चलते, क्योंकि पापा को यहाँ का रास्ता कुछ भी नहीं पता, मुझे पता है, तो मैं पापा को सीधा ले गए थे स्टेशन। यहाँ पे मैंने नागरिक वाला काम भी कर दिया, टिकट भी ले लिया था कोई, पर वो टिकट किसी काम का नहीं था, क्योंकि टीटी नहीं आया, और पापा को सोना था, सो गए। फिर हम चले घर, और हम कानपुर भी पहुँच गए। एंड दिस इज़ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।